शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है और पाप मोचनी एकादशी की पूर्ण पूजा विधि क्या है? बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली 24 एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु चैत्र मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि कहा जाता है जो मनुष्य भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं या पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा सुन लेते हैं, उनके सभी पापों का अंत हो जाता है। क्योंकि बंधुओं, जाने अनजाने में हर मनुष्य से रोजाना बहुत से पाप हो जाते हैं और इन पापों से मुक्ति पाने के लिए हर मनुष्य को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले दशमी तिथि को भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का कोई अन्न फंसा ना रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। बंधुओं, एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें, सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे, संवत का नाम लें, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथु अमुक वासरे सोमवार अमुक गोत्र जो गोत्र हो, अमुक नामनो अहम जो आपका नाम हो, सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषां शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी तालाब बावड़ी कुएं पर जाकर इस मंत्र का स्तवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाएं। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतापि धरोहे कृष्णेन शतबाहुना मृतके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। इसके बाद व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर पाखंडी पर नारीगामी निंदक मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से बात हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 वस्तुएं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। बंधुओं, हजारों यज्ञ लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम विधि विधान और महत्व के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम
पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और विशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्ट पुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत और दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार, नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार न रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको आए हुए यहाँ पर कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास 3 दिन बीत गए। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है, अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान,
गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, वैसे तो मास में आने वाली दोनों एकादशियां और साल में आने वाली 24 एकादशियों का सभी का बहुत अधिक महत्व है, परंतु बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्ति प्रदायिनी पाप मोचनी एकादशी की महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही फल एक बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से 10,000 पीढ़ियां उस मनुष्य के स्वर्ग में जाती है जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, और उन्हें नरक के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी से भगवान की पूजा करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान को पुष्प, फल, अगर, धूप, दीप आदि अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ दें। ऐसा करने से समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें और कथा को सुने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।